फरीदाबाद के कोरी गांव में दूसरे दिन भी तोड़फोड़ मलबा उठाने का काम जारी रहा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उनको ना तो उनके मलबे को यहां से बाहर ले जाने का मौका दिया गया और ना ही उनके पुनर्वास को लेकर कोई सहायता की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में 8 जुलाई से तोड़फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जिसके बाद पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया और दूसरे दिन भी मकानों के मलबे को ट्रैक्टर इत्यादि के माध्यम से दूसरे स्थान ले जाने का काम जारी रहा। इस बीच कई लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार जहां पुनर्वास को लेकर उन्हें आश्वासन देती रही, प्रशासन की तरफ से उनके पुनर्वास को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने बिल्डिंग मटेरियल को बेचने के लिए डीलर से बात भी की थी, लेकिन बिना समय दिए गए प्रशासन ने उनके मकान को तोड़ दिया और अब उनके मलबे को भरकर ले जा रहे हैं। लोगों ने कहा कि सरकार को उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए था ताकि वह लोग इस मलबे को भेज सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा। पूजा जी, क्या है? मैंने बोला ना कि सर हमें अभी हम सामान है ईंटों की, हमने बात कर लिया डीलर से, हमें आज का मौका दो, कल तो आप बोल के गए हम ईंटों को फिर बेच के कम से कम अपना 2 पैसा हम किराए तो वसूल कर सकते हैं जी। अब हम ऐसे में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ना हमारे पास पैसा है, ना किराया है, ना भाड़ा, ना कहाँ जाएंगे हम? सरकार ने कोई व्यवस्था करी क्यों? पहले जो सरकार डीलरों से मिल के बीच को आया था, तब सरकार मर गई थी क्या? तब ने सरकार को दिखा था कि कैसे एक बस गई थी पब्लिक इतनी, तब तो पुलिस वाले भी आते थे, वन विभाग वाले भी हरामे आते थे जब सब कुत्ते मर गए थे, अब किसी कुत्ते को नहीं दिख रहा। लक्ष्मी, कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को 10 साल हो गए। तो अभी कोई पुनर्वास की जो व्यवस्था की गई थी मनोहर लाल खट्टर द्वारा, आपको उसका कोई लाभ मिला? ये लाभ मिल गया, हमारे घर टूट गए और तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, जैसे आपका घर टूटा है उसकी जगह बदले में कुछ मिला है आपको रहने के लिए? कुछ नहीं। और आपको मौका दिया गया आपका सामान ले जाने के लिए किसी इस तरह के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत हमने अपना सामान निकाल लिया, बाकी तो सारा जो बचा था वो ले गए उठा के, चटनी बना दी यहीं पे हमारे सामानों का। कितने समय से आप रह रहे थे यहाँ पे? 10 साल हो गए। और अभी आगे की क्या व्यवस्था है आपकी? कुछ भी नहीं है, यहीं बैठे हुए हम तो। अभी सरकार से क्या अपील है जिस हिसाब से आपको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करी गई और आज आप यहाँ खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं? वो सरकार से जब आमना सामना होगा उससे बात करेंगे। आए तो सही, पहले कोई देखने तक नहीं आता यहाँ पे, बस उन्हीं के प्रशासन के बंदे आते हैं और जो बस उन्हीं की मर्जी से काम होता है, इधर हमारा कौन सुन रहा है? नहीं, यहाँ पर प्रशासन का कोई नहीं सुनता। प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने फार्म भी फिल कराए थे कि जिनके पास हरियाणा के दस्तावेज हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ कोई नहीं आया है, यहाँ कोई नहीं आया हमारे। क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? यही है जो भी आपको बताया है जी, यही है मामला। क्योंकि यहाँ पर ना हमें मौका दिया गया है, ना कहीं रहने का इंतजाम। पहले तो हम इसे बोले कि चलो ठीक है अपना सामान निकाल लो, और सुबह तो हम जो खाना बना रहे हैं आटा गूंदा रखा, खाना तो नहीं बनाने दिया हमें। तो सरकार तो कह रही कल 2 दिन का टाइम देता आपको? हाँ, कल दे गए यहाँ पे सुबह कम खाने से, कल शाम को बोल गए, नाम भी लिख के ले गए, पर आज रात में क्या फैसला बदला है पता नहीं इनका। सुबह हमें टाइम नहीं दिया, सुबह 7:30 बजे तो आ गए यहाँ पे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।